प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.3 तीन प्रमेयों पर आधारित है और ये प्रमेय जो है 6.3 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए भी आवश्यक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक करके इन तीनों प्रमेय अर्थात थ्योरम्स को पढ़ते हैं और उनको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 6.3 आती है। ये कहता है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूँ डी ई एफ। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है कि इनके संगत कोण बराबर है यानी कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो यहाँ पर दिया क्या है हमें वो लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है तथा कोण सी कोण एफ के बराबर है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। और अगर ये सिद्ध कर दिया तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ की, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। अब इसके प्रूफ से पहले हम कुछ रचनाएं करते हैं। रचना में सिंपल सी करनी है कि ए बी की जितनी लंबाई है उसके बराबर यहाँ पर एक डी पी ले लीजिए, ए बी के बराबर डी पी ली और ए सी के बराबर डी क्यू ले लीजिए और उसके बाद पी और क्यू को मिला दीजिए। तो ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा या काटी। उसके बाद क्या रचना किए, पी और क्यू को मिलाया अब देखिए तीन स्टेप लिखने के बाद कि हमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है और सिद्ध करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या की है, रचनाएं क्या क्या की हैं। उसके बाद आते हैं बारिश के प्रूफ की उत्पत्ति या इसका प्रूफ। इसकी उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और डी पी क्यू इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी और दूसरा कोण ए बराबर कोण डी और ए सी बराबर डी क्यू।
अब देखिए कि भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी, सर्वांगसम। लेकिन पहले ये लिख दीजिए कि ये चीज़ें आई कहाँ से, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी रचना से आई, ए बराबर कोण ए बराबर कोण डी ये दिया हुआ है, और ए सी बराबर डी क्यू भी कहाँ से है, रचना से है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम का निशान होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। और यहाँ पर लिख दीजिए भुजा कोण भुजा नियम सर्वांग समता नियम। अब देखिए कि कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जिसको सीपीसीटी के नाम से हमने पढ़ा था 9th क्लास में। और कोण बी जो है वो कोण ए के बराबर भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए कि अब कोण बी कोण पी के बराबर है, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं। इसके अलावा बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है, क्यों दिया है। अब देखिए कोण बी पी के बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर भी होगा, इसका मतलब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इसका मतलब कोण पी जो है वो कोण ई के बराबर होगा। यहाँ से कोण पी विल बी इक्वल टू कोण ई। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब संगत कोण अगर बराबर है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब यहाँ से इसके बाद नीचे जगह कम है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका मतलब पी क्यू समांतर है ई एफ के। अगर पी क्यू ई एफ के समांतर है तो अब इस पे हम बी पी टी लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे कि डी पी बाई पी ई, डी पी बाई पी ई कह दीजिए, इसके दूसरी फॉर्म लगा देते हैं डी पी बाई डी ई, जो एक जोड़ने पर फॉर्म प्राप्त होती है, वो वाली फॉर्म लगा दी हमने कि डी पी बाई डी ई बराबर डी क्यू बाई डी एफ। ओके, इसको लिख दीजिए बी पी टी द्वारा, हिंदी में लिखना चाहें तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। अब डी पी किसके बराबर है, डी पी ए बी के बराबर है, ए बी बाई डी ई, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। यानी ये जो सिद्ध करना था उसके दो पार्ट तो हमने इक्वल सिद्ध कर दिए, और दूसरा हम लिख देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो दो पार्ट आपने सिद्ध कर दिए उससे अगला लिख दीजिए कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ। इसे समीकरण एक का नाम दे दें
इसे समीकरण दो का नाम दे दें। ये सिद्ध करके दिखाना नहीं है, बस लिख देना आपने। अब देखिए कि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। अगर ये सिद्ध करना तो हम यहाँ पैरेलल लाइन लगा देंगे। इसी तरह से अगर ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ सिद्ध करना तो वो लाइन यहाँ लग जाएगी और ये इसी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इतना लंबा करना नहीं है, या हमने सिर्फ लिखना है कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये होगा। अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट ने जब ये कर दिया तो ये भी कर ही देगा। तो एक व दो से, या समीकरण एक व दो से ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ओके, ये समरूप का निशान होता है और ये सर्वांगसम का होता है। ये समरूप का और ये सर्वांगसम का है। तो देखिए, मुश्किल नहीं है थ्योरम बिल्कुल भी। पहले तो आपको दिया क्या है, संगत कोण बराबर दे रखे हैं वो लिख दीजिए। फिर प्रूव क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात जो है, इसकी भुजाएं समानुपाती है, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई डी एफ और ए सी बाई डी एफ। हैंस प्रूफ। अब इसे एक बार फिर से देखिए कि रिवाइज करवा देता हूँ, पक्का हो जाएगा साथ के साथ। कि संगत कोण बराबर दे रखे हैं वो लिख दीजिए कि दिया क्या है, भुजाएं समानुपाती जो सिद्ध करनी है वो लिख दीजिए। उसके बाद प्रूफ के स्टेप देखिए। प्रूफ में हम साइड एंगल साइड करके ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हम कह देंगे कि ये कोण, ये कोण और ये कोण तीनों बराबर है, ये दोनों तो सी पी सी टी बराबर है, ये दोनों गिवन है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये लाइनें पैरेलल होगी। ये पैरेलल होगी तो अब क्या करेंगे, इस पर बी पी टी लगा देंगे। बी पी टी लगाएंगे तो हमें ये दोनों पार्ट इक्वल मिल जाएंगी। दूसरे का हम लिख दें कि जैसे हमने ये सिद्ध किया ऐसे ये भी सिद्ध कर सकते हैं, और फिर दो समीकरण बन जाएंगे, उससे हम प्रूफ दे देंगे इसका। आगे प्रमेय 6.4। ये थ्योरम कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए कि ये जो थ्योरम है पहले वाले की बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टी है। उसमें हमें दिया हुआ था कि संगत कोण बराबर हैं और भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी थी, और इसमें हमें भुजाएं समानुपाती दी हुई है और संगत कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो उसके लिए पिछले थ्योरम की तरह से ही हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल लेंगे डी ई एफ, और वही वाले स्टेप्स हैं कि सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती है तो ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर सी ए बाई एफ डी। ये तो दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर
कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के लिए रचना क्या करेंगी? रचना भी पिछली बार की तरह से ही करेंगी, पिछली थ्योरम की तरह से करेंगी कि ए बी बराबर डी पी ली और ए सी बराबर डी क्यू ली और फिर पी और क्यू को मिलाया। ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू। चित्र के अनुसार ली तथा और क्या क्या हमने पी और क्यू को मिलाया? तो देखिए ये रचना किस टाइप से। अब आगे फोर्थ स्टेप उत्पत्ति यानी इसका प्रूफ। देखिए पहली थ्योरम में तुमने क्या किया था कि इस ट्रायंगल को इसके सर्वांश में सिद्ध किया था, उसके बाद ये कोण इक्वल सिद्ध किए थे, फिर इसमें बीपीटी लगा दी थी, फिर भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर दिया था और फिर वहां से भुजाओं का अनुपात हमारे पास आ गया था। इस बार क्या करना हमने, इस बार पहले हमें जो गिवन है वहां से लेके चलेंगे और जो ये दो ट्रायंगल है डी पी क्यू और डी ई एफ इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे कि क्योंकि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई दिया है और ए सी बाई डी एफ दिया हुआ है। ए सी बाई डी एफ देखिए ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड, ए बी बाई डी ई दूसरा लेना है, ए सी बाई डी एफ तो ये दो वाली दो उठानी आपने। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है? डी पी के बराबर है, डी पी बाई डी ई। और ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के बराबर है, डी क्यू बराबर बाई डी एफ। तो यहाँ पर कारण दे दीजिए क्योंकि दिया है ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। अब देखिए डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ ये रेशियो हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो ई एफ के समांतर होगा, पी क्यू समांतर होगा ई एफ के। क्यों होगा? क्योंकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम ये कहता है। अब देखिए अगर ये समांतर है तो इसका मतलब कोण पी जो है वो कोण ई के बराबर होगा और कोण क्यू जो है वो कोण एफ के बराबर होगा। इसका मतलब कोण पी कोण ई के बराबर है तथा कोण क्यू कोण एफ के बराबर है। अब ये दो ट्रायंगल कंपेयर कीजिए, ऊपर वाली छोटी और ये फुल ट्रायंगल। अब त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में देखिए कोण पी बराबर कोण ई है, कोण क्यू बराबर कोण एफ है और कोण डी दोनों में कॉमन है, कोण डी बराबर कोण डी है। तो कोण कोण कोण
समरूपता नियम हो गया। इसका मतलब ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों क्या है, समरूप है। इसका मतलब त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। अब अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, इसमें दिया हुआ है। अब अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, तो डी पी बाई डी ई बराबर डी क्यू बाई डी एफ बराबर पी क्यू बाई ई एफ। यहाँ से आगे का स्टेप है इधर कर दिया मैंने। अब देखिए डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई किसके बराबर हो गया, पी क्यू बाई ई एफ के बराबर। और दूसरा देखिए कि जो हमें दिया हुआ है वहां से ए बी बाई डी ई किसके बराबर है, ए बी बाई डी ई जो है यहाँ पर बी सी बाई ई एफ के बराबर है। तो इसका जो कारण है वो ये दे दीजिएगी, क्योंकि डी पी बराबर ए बी, इसमें फर्स्ट और थर्ड ले लिया हमने, और ये ए बी बाई डी ई यहाँ से उठाया हमने। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम इक्वल रख सकते हैं। इसको समीकरण एक का नाम दे दीजिए, इसे समीकरण दो का नाम दे दें कि पी क्यू बाई ई एफ बराबर बी सी बाई ई एफ। इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अब देखिए पी क्यू बी सी के बराबर है, ए बी डी पी के बराबर हमने लिया ही था, और ए सी डी क्यू के बराबर। इसका मतलब ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है तथा पी क्यू बी सी के बराबर है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज डी पी क्यू की। अगर इसकी सर्वांग सम होगी तो अब देखिए यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम सिद्ध कर दी हमने किसके बराबर, त्रिभुज डी पी क्यू के। अब अगर ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर, कोण पी के बराबर और कोण सी कोण क्यू के बराबर। लेकिन कोण पी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है, और कोण क्यू कोण एफ के बराबर है। अतः कोण ए बराबर कोण डी, कोण
बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी पी के बराबर, ई बी पी के बराबर, तो बी ई के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए संगत कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में संगत कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। हेंस प्रूफ। अब देखिए कि ये थोड़ा सा लगता होगा आपको लेंथ ही है, लेकिन स्टेप्स देखिए एक बार, एक दो बार जब आप अपने हाथों से करोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा ही। पहले संगत भुजाएं समानुपाती है, तो ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ, ये गिवन में लिख दीजिए, दिया है हमें लिख दीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि इनके संगत कोण बराबर, उस हिसाब से लिख दीजिए। रचना जो हमने पिछली प्रमेय में की थी वही है। अब देखिए कि हमारा टारगेट देखिए कहाँ है, हमारा टारगेट पहले है इस छोटी त्रिभुज को और इस बड़ी त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना, और दूसरे स्टेप में ए बी सी को और इस छोटी को सर्वांगसम सिद्ध करना। अगर सर्वांगसम है तो ये सिमिलर होंगे, देखिए ये छोटी और बड़ी ये सिमिलर होगी, फिर इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो सर्वांगसम होती है सिमिलर है ही, तो इसका मतलब ये छोटी और ये बड़ी क्या हो जाएगी, अपने आप सिमिलर हो जाएगी। तो पहले स्टेप में इसको छोटी को और इस बड़ी को सिमिलर यानी समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करना पहला स्टेप है हमारा, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना दूसरा स्टेप है, और फिर अगर ये सर्वांगसम आ गई तो फिर इनका एंगल कंपेयर करना हमारा तीसरा स्टेप है। तीन स्टेप में ये थ्योरम हो जाएगी। तो स्टेप्स देखिए कि टारगेट हमारा इस पे है, तो ये वाली साइडें लेंगी, तो ये चीज़ें उठानी है, तो यहाँ से ए बी बाई डी ई और दूसरा सी ए बाई एफ डी, ये वाले दो उठाएंगे। यहाँ से फिर जो रचना की उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हम इन दोनों को पैरेलल सिद्ध कर देंगे। पैरेलल सिद्ध करने पर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो गए तो ये छोटी और बड़ी क्या होगी, समरूप सिद्ध होगी। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब समरूप सिद्ध होगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात लगा देंगे। अब एक इक्वेशन यहाँ से उठाएंगे, दूसरी जो गिवन है वहाँ से उठाएंगे, दोनों की एक एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड को इक्वल रखेंगे, ठीक है, दूसरी साइड इक्वल रखेंगे, तो ये चीज़ कि बी सी बराबर पी क्यू आ जाएगा। ये चीज़ इसके बराबर हमने पहले माने रखी है रचना में, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार ये इसके क्या होगी, सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम होगी तो ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। अब देखिए ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये आपस में इक्वल, ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये आपस में इक्वल, और ये एंगल सेम है, तो एंगल 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 आ गया, तो ये आ गया, तो फिर ये दोनों छोटी और ये वाली बड़ी क्या होगी, समरूप होगी। अब आगे प्रमेय 6.5, ये थ्योरम पहले वाले के कंपेरिजन में काफी आसान है। यहाँ कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो कहता है कि ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर
ए बी सी डी ई तो देखिए चित्र तीनों प्रमेय में सेम है, इनकी रचना जो हम करेंगे वो तीनों में सेम है। अब देखिए कि दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी दिया है और ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। अब रचना क्या करोगे, रचना जो पहले की है ए बी के बराबर डी पी लिया, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। चित्र के अनुसार लिया, अब पी तथा क्यू को मिलाया, पी तथा क्यू को मिला है, ये हो गई कंस्ट्रक्शन इसके लिए। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में पहले छोटी ए बी सी को और डी पी क्यू को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसको छोटी को और इस बड़ी को समरूप सिद्ध करेंगे। ये दोनों सर्वांग सम है तो समरूप है, ये और बड़ी समरूप है तो ये आपस में समरूप हो जाएगी। इसके बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं कि यहाँ पर देखिए कि ए बी बराबर डी पी, कौन कौन से त्रिभुज में की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी है, ए सी बराबर डी क्यू और कोण ए बराबर कोण डी, ये तो कहाँ है रचना से। और ये हमें दिया है। अब देखिए कि भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। ओके, वास्तव में इतना इतना जो है हमारा प्रमेय 6.3 जैसे ही है। अब अगर ये सर्वांग सम है तो सिमिलर भी होंगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के कि जो आकृतियाँ सर्वांग सम होती है वो समरूप भी होती है। अब हमें दिया है कि ए बी बाई डी ई, अब ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, ये क्या हमें दिया है। अब ए बी को मैं रख देता हूँ डी पी के बराबर, डी पी बाई डी ई बराबर ए सी को मैं रख देता हूँ डी डी क्यू के बराबर, डी क्यू बराबर डी एफ। ओके, अब देखिए यहाँ कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगा दीजिए, यहाँ से पी क्यू जो है समांतर होगा ई एफ के, बी पी टी का विलोम।
अब देखिए, ये अगर समांतर है तो कोण पी जो है वो कोण ई के बराबर मिलेगा, और कोण क्यू जो है वो कोण एफ के बराबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण डी है, क्योंकि सेम ही कोण है। कोण पी बराबर कोण ई यहाँ से, कोण क्यू बराबर कोण एफ यहाँ से, इसलिए कोण 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 समरूपता नियम है। तो त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए कि ये त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि ये कोण 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 समरूपता नियम लगा दिया। अब देखिए, जो पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल समरूप सिद्ध किए थे उसको नाम एक दे दें, ये दोबारा इसको और इसको समरूप सिद्ध किया है उसे हम दो का नाम दे देते हैं। अब यहाँ देखिए, डी पी क्यू और इधर भी डी पी क्यू, ये ए बी सी के समरूप और ये डी ई एफ के समरूप है। तो जब एक साइड समरूप है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक व दो से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, हेंस प्रूफ। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। पहले तो इस ट्रायंगल को इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम है तो ये क्या होगी, समरूप भी होगी, जो कि बिल्कुल सिंपल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से हम सिद्ध कर सकते हैं। एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल, इन दोनों का समरूप सिद्ध करना है। अब पहले स्टेप में ये समरूप, दूसरे स्टेप में ये समरूप। तो पहले और दूसरे से क्या आ जाएगा, ये समरूप ये भी समरूप, तो ये आपस में समरूप हो जाएगी। तो देखिए, अभी तक जो हमने तीन थ्योरम की है उनसे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समरूपता की तीन कंडीशंस होती है। सबसे पहला तो अगर इनके संगत कोण बराबर है, तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। इसको हम बोलते हैं कोण 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 समरूपता नियम। जो प्रमेय 6.3 से प्राप्त हुआ उसमें हमें कोण इक्वल दे रखे थे, फिर हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया था। दूसरा कहता है कि इनकी भुजाएं समानुपाती हो, यानी ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, इन भुजाएं समानुपाती, यानी भुजा 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 समरूपता नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि अगर ये एक कोण समान हो और उसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ये भुजा कोण भुजा नियम है कि एक कोण अगर इक्वल है और इनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं अगर समानुपाती है तो भी ये त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। तो इन तीनों नियमों को आपने अच्छी तरह से माइंड में सेट करना है। इसी के आधार पर प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न हल होंगे।